हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। सबसे पहले कुछ कमेंट्स के आंसर कर देती हूँ। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं कोशिश करूँगी सिलेबस कंप्लीट करवाने की। मैं डेली की एक ही वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, दो वीडियो मैं नहीं डाल सकती एक दिन में, ठीक है? क्योंकि मॉर्निंग में मेरी भी ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, मैं वहाँ क्लास लेती हूँ सेंटर पर। बच्चे पूछ रहे हैं मैडम शेड्यूल क्या है वीडियोज़ का, ठीक है? तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले अलजेब्रा की वीडियो चल रही थी। अलजेब्रा का शायद 70% या 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और फिर हमने कैलकुलस भी स्टार्ट किया, कैलकुलस की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है, और अब हमने सॉलिड ज्योमेट्री भी स्टार्ट किया है, ठीक है? तो मैं ये बनाया था मैंने कि तीनों को जो है वो रोटेशन में लेके चलेंगे, तीनों बुक्स को, एक दिन अलजेब्रा, एक दिन कैलकुलस एंड नेक्स्ट डे सॉलिड ज्योमेट्री। बट अभी जो बच्चों के जो एक सजेशन दिया है कि मैम जो चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हो आप उसी को कंप्लीट करवाइए, देन नेक्स्ट बुक का चैप्टर। तो ये भी ठीक है, ये भी मुझे अच्छा लगा कि जो वो आपका लिंक नहीं ब्रेकअप होगा बीच में, कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कंटिन्यू आप कर पाओ और अच्छे से आप उसको तैयार कर सको, ठीक है? तो आज से हम यही करेंगे। हमने कल की जो क्लास थी वो ली थी हमने कैलकुलस की, लिमिट्स की, और आज भी मैं आपको कैलकुलस का कंप्लीट चैप्टर ये करवा देती हूँ। नेक्स्ट दो या तीन वीडियोस में शायद कवर हो जाएगा, ठीक है? और फिर हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, देन उसके बाद मैं अलजेब्रा का उठाऊंगी। जो बच्चे 8 चैप्टर की डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल करवाऊंगी मैं, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके एग्ज़ाम जो है वो शायद मार्च में बता रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, और जितना होता है उतना अच्छे से करिए। कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस कम्प्लीट हो पाए। देखिए जी, कल हमने एग्ज़ाम्पल की थी 16th, जिसके एग्जाम्पल हो गए थे हमारे 17th एग्जाम्पल से। यहाँ से आपका प्लस टू का काम स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। वैसे तो प्लस टू का यही है, लिमिट का जो चैप्टर आप कर चुके हैं प्लस टू में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स, आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं इसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, यानी जीरो से लेफ्ट में लेके जाएंगे, फंक्शन क्या है एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स। क्या रखते हैं यहाँ पे एक्स को, जीरो माइनस एच। इफ एक्स टेंस टू जीरो, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करती हूँ देन एच की वैल्यू भी क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूँगी तो एच भी जीरो को टेंड करेगा। तो पूरे फंक्शन को हम एच में चेंज कर लेते हैं, ओके? देन लिमिट, ये एक्स की लिमिट एच में चेंज हो जाएगी, और जहाँ पे भी आपका एक्स होगा वहाँ पे आपको रखना है जीरो माइनस एच। एक्स के प्लेस पे मैंने रखा जीरो माइनस एच एंड जीरो माइनस एच, ठीक है? यहाँ पे एच की लिमिट है जीरो। नाउ ये मॉडुलस है, इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर तो आ जाएगा माइनस एच, और डेनोमिनेटर में माइनस एच का मॉडुलस यानी कि एच कैंसिल माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई है माइनस वन, ओके? नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस क्या दे रखा है एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें क्या रखना है, एक्स को जीरो प्लस एच रखना है। राइट हैंड लिमिट में हम जीरो प्लस लेते हैं, जीरो के राइट साइड के पॉइंट के लिए देखते हैं, और जीरो माइनस लेंगे तो जीरो माइनस एच, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो जीरो प्लस एच। एज एक्स टेंस टू जीरो, एक्स की लिमिट क्या चल रही थी जीरो, स्टार्टिंग में हम एक्स की लिमिट जीरो दे रखी, तो जैसे आप एक्स को जीरो रखेंगे देन एच भी जीरो को टेंड करेगा, ओके? तो इसको चेंज कीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स को पुट करेंगे हम जीरो प्लस एच डिवाइड बाय जीरो प्लस एच मोड, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाय एच कैंसिल आउट वन आ जाएगा, ठीक है? देन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती देन आवर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओके? ऐसे आपके पास सेकेंड पार्ट दे रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये इसमें बच्चे बहुत जो मिस्टेक करते हैं, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर,
दिस इज डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि इसकी जो वैल्यू आती है वो प्रॉपर इंटीजर आती है, जो इंटीजर नंबर होता है वही हम आपको देगा, और क्या आनी चाहिए, एक्स के इक्वल भी हो सकता है और एक्स से लेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2.5 ये नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब इंटीजर क्या आएगा, या तो वो एक्स से लेस होगा या वो एक्स के इक्वल होगा। अब एक्स मेरा यहाँ पे 2.5 है, दिस इज 2 and 3 और ये नंबर हो गया 2.5। अभी हमने क्या कहा कि इसका आंसर इंटीजर आता है और एक्स से लेस देन इक्वल, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एनी इंटीजर विच इज इक्वल टू 2.5 तो इंटीजर नहीं है, या फिर इससे लेस, इससे लेस इंटीजर कौन है 2, ये हमारा इंटीजर है जो इससे लेस होगा, या तो इस क्वांटिटी से लेस होगा या इसके इक्वल किस केस में आता है, अगर मैं 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी वो 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करेंगे आंसर देगा इंटीजर। इक्वल किस केस में होता है, जब आप इंटीजर का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो, अगर पॉइंट में आता है तो आप उसे छोटा इंटीजर देखेंगे, उसे स्मॉल जान के इसका आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही माइनस में जाता है, -3.6, अगर आप -3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आएगा, दिस इज -3 एंड इधर क्या चल रहा है -2। माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ये -3 ये -2 और 3.6 -3.6 यहाँ पे। अभी हमने बताया कि इसका आंसर इंटीजर आना चाहिए, बट या तो इसके इक्वल या इससे लेस। अब इससे लेस इंटीजर कौन है, -2 नहीं है, -3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में है और -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑल्सो -3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की कंडीशन आ सकती है कि हम इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप निकालते जाओगे इंटीजर इससे लेस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाता जाएगा, इंटीजर का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इटसेल्फ होता है और अगर पॉइंट में होगा तो उसे पीछे वाला इंटीजर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन एक्स। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स, एच में चेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस चलेगा, एक्स को पुट करेंगे हम जीरो माइनस एच, ठीक है। जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे जीरो माइनस एच रख दीजिए, एक्स अगर जीरो है तो एच की लिमिट जीरो आ जाएगी और ये आ जाएगा जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखिए समझने की है, एच हमारा जीरो को टेंड कर रहा है और फंक्शन है जीरो माइनस एच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब एच की वैल्यू आपको यहाँ पे, वैसे तो हम एच को जीरो ही रखते हैं, बट एच टेंस टू जीरो यानी कि एच की जीरो में से आप स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, जीरो माइनस एच इसका क्या मतलब है, जीरो में से आप कुछ क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स जैसे ही आप जीरो में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस करते हो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके लेफ्ट में जाएगी, यानी जीरो इंटीजर होता है इससे पहले फ्रैक्शन में, यानी कि ये पॉइंट लेफ्ट में आ गया और इससे पहले इंटीजर कौन होता है -1, तो जीरो माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -1। क्लियर, दोबारा बता देती हूँ, जीरो माइनस एच है ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, जीरो में से आपने स्मॉल क्वांटिटी को लेस किया है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एच को जीरो रख देंगे जीरो माइनस जीरो इज अ जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे हम ये समझना है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है तो जीरो में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं तो जीरो से लेफ्ट में वैल्यू जाएगी इसकी, जैसे ही लेफ्ट में जाएगी कहीं पे भी आओ चाहे माइनस वन से जीरो के बीच में, ठीक है, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो हमारा आएगा -1, इससे लेस इंटीजर, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। और अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस एच, ठीक है, यह आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 1/h और एच की लिमिट क्या रखनी है जीरो, अब यहाँ पे जीरो रख दीजिए 1/0 एंड दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसकी लिमिट आएगी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिमिट आती है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और राइट हैंड लिमिट भी देख लीजिए भाई, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो
जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, ओके जीरो एच। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जीरो में हम स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, यानी हमने कुछ ऐड किया है जीरो में। जैसे ही आप ऐड करेंगे जीरो के राइट में जाएगा ये नंबर जो है, जीरो प्लस एच जीरो के राइट में नंबर जाएगा। और अगर अब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी तो यहाँ पे मेरा मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे आ जाता है जीरो प्लस एच, ओके। देन इससे पहला इंटीजर कौन है, जीरो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, जीरो बाय एच, अंडरस्टैंड। तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। एग्जाम्पल 18 देखिए, यहाँ पे लिमिट 5 बाय एक्स टेंस टू 5 बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू 5 बाय 2 माइनस, माइनस मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, ओके। फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हम पुट करेंगे 5 बाय 2 माइनस एच। इफ एक्स टेंस टू 5 बाय 2, अगर आप एक्स की वैल्यू 5 बाय 2 रखते हैं देन एच क्या आता है, जीरो आता है। तो इसको हम चेंज करेंगे एच में, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आप रखेंगे 5 बाय 2 माइनस एच, और 5 बाय 2 कितना होता है 2.5, लिमिट एच टेंस टू जीरो 2.5 माइनस एच, ठीक है। 2.5 में से आप सम क्वांटिटी लेस कर रहे हैं। अब 2.5 ये हमारा 2 है, ये 3 और ये 2.5। अभी हमने कहा कि स्मॉल क्वांटिटी आपको माइनस करनी है, दैट मीन्स अगर मैं 0.1 या छोटी छोटी क्वांटिटी अगर माइनस कर लेती हूँ, मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ आ जाता है इसकी वैल्यू कंप्लीट, ठीक है, फिर भी हमारा यहाँ पे आएगा फ्रैक्शन। 2.5 में से मैंने स्मॉल क्वांटिटी लेस किया, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इससे पहले इंटीजर कौन है, 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ओके। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 5 बाय 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, देन लिमिट एस टेंस टू 0, डायरेक्ट मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पे 5 बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ सॉरी एच, एच में चेंज कर लिया हमने इसको, 5 बाय 2 प्लस एच रखेंगे ना एक्स के प्लेस पे। अब एस टेंस टू 0 यानी कि आप 5 बाय 2 में सम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। अब मैंने ऐड किया तो इसके राइट में पॉइंट आ जाएगा, मानने कि कुछ हमने क्वांटिटी ऐड किया और ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है कि इसकी वैल्यू आएगी इंटीजर, या तो इसके इक्वल या इससे लेस आनी चाहिए इंटीजर। अब ये तो इंटीजर है नहीं, फ्रैक्शन में पॉइंट जा रहा है, इसे छोटा इंटीजर कौन है, 2, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो इसके आपकी लिमिट आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल आ रही है, 2 के इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड भी हमारी 2 आ रही है एंड राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 2। 19th इज शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस 2 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। यहाँ पे देखिए कि आपको लिमिट निकालनी है एक्स टेंस टू 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, सबसे पहले एक्स टेंस टू 0 माइनस ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 और ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स को आप रखेंगे 0 माइनस एच, पुट करते हैं यहाँ पे, लिमिट एच में चेंज कर लेते हैं, और जहाँ पे भी आपके पास एक्स होगा वहाँ पे हम रखेंगे 0 माइनस एच माइनस 1। ऐसे ही आप डिनोमिनेटर में करेंगे 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस 1। लिमिट एस टेंस टू 0 ई रेज टू पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच क्या बन रहा है, माइनस 1 बाय एच माइनस 1 डिवाइड बाय ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय एच प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए h को हमने 0 रखना है, जैसे अब पहले तो आप पावर पॉजिटिव बना लीजिए इसकी, लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय एच को आप लिख सकते हो 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 बाय एच, e की पावर नेगेटिव है 1 अपॉन में करेंगे पॉजिटिव पावर हो जाएगी माइनस 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 बाय एच
प्लस वन। इसको आपको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही रखना है। अब हमें क्या करना है पे ई रेज टू पावर वन बाई एच, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट लगानी है आपको एस टेंस टू जीरो, यानी कि हमें एस के प्लेस पे जीरो पुट करना है। ई रेज टू पावर वन बाई जीरो, एंड ई रेज टू पावर वन बाई जीरो होता है इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर होता है इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है जब मैं एच को जीरो पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू रख दीजिए आप। लिमिट अप्लाई की हमने, यहाँ पे मैंने जीरो रखा, ए की पावर इन्फिनिटी, एंड ए की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ये आ जाएगा वन बाय इन्फिनिटी माइनस वन डिवाइड बाय वन बाय इन्फिनिटी प्लस वन, और वन बाय इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, जीरो माइनस वन एंड जीरो प्लस वन, देन दिस इज इक्वल टू माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी माइनस वन। इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व कीजिए। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ई रेज टू पावर वन बाय एक्स माइनस वन ई रेज टू पावर वन बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे भी इसको मैं एच में चेंज कर लेती हूँ। लिमिट एस टेंस टू जीरो, इधर ही लिख लेते हैं इसको, एच में चेंज करते हैं। लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ पे आप रखेंगे ई रेज टू पावर, एक्स को किस में चेंज करेंगे जीरो प्लस एच में, ये हम पुट करेंगे एक्स को, देन हमारी एक्स की लिमिट एच में चेंज हो जाएगी और एच टेंस टू जीरो आ जाएगा। देन ई रेज टू पावर वन बाय एच, हमने जीरो प्लस एच रखना है, मतलब एक्स को हमने एच रखना है, एच में चेंज कर दिया, माइनस वन अपॉन ई रेज टू पावर वन बाय एच प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एच के प्लेस पे जीरो पुट करती हूँ, तो ये अभी मैंने निकाला था कि जैसे आप जीरो रखेंगे यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस वन इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये हमारी इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारा इन्फिनिटी आ रहा है इसको रिमूव करना है, मीन्स हम इसको कॉमन ले लेते हैं। लिमिट एस टेंस टू जीरो ई रेस टू, ये फैक्टर हमारा इन्फिनिटी बना रहा है, तो इसी को कॉमन ले लीजिए। न्यूमरेटर से कॉमन लिया, यहाँ पे वन रह जाएगा और यहाँ पे वन के डिवाइड में चला जाएगा, ई रेस टू पावर वन बाय एच डिवाइड बाय ई रेस टू पावर वन बाय एच इंटू वन प्लस वन अपॉन ई रेस टू पावर वन बाय एच, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, ये बना रहा था इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, ये आ जाएगा वन माइनस ज़ीरो एंड वन प्लस ज़ीरो, आंसर इज़ अ वन। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस वन, राइट हैंड आ रही है वन, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवा चुकी हूँ आपको, फर्स्ट जो वीडियो थी इसकी फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन अपॉन मोड ऑफ वन माइनस एक्स। इसको आपको लिमिट फाइंड आउट करने से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स मॉड, देन वन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एच में चेंज करके, यहीं पे कर देती हूँ मैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स को क्या रखेंगे, वन माइनस एच, एक्स इक्वल टू वन माइनस एच, और अगर एक्स वन है, एक्स किसको टेंड कर रहे हैं वन को, अगर मैं यहाँ पे वन रखती हूँ तो एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ज़ीरो। तो एस टेंस टू ज़ीरो, वन अपॉन वन माइनस एक्स के प्लेस पे रखेंगे हम वन माइनस एच, और बाहर चल रहा है मॉडुलस, इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज़ वन माइनस वन प्लस एच, कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो वन अपॉन एच। ठीक है, और ये आप जीरो रखेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट पे क्या जा रहा है, एक्स टेंस टू वन प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स मॉड, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन अपॉन वन माइनस वन प्लस एच रखेंगे। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, वन माइनस वन माइनस एच कैंसिल, और ये क्योंकि मॉडुलस है तो ये भी आ जाएगा वन बाई एच, और एच को क्या रख रहे हैं हम ज़ीरो, एच की लिमिट चल रही है ज़ीरो, ये भी हम आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी आ रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और लिमिट दे रखी है 2.4, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक्स टेंस टू 2.4 माइनस, इसको आप चेंज करेंगे एच में, एस टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे आप रखेंगे 2.4 माइनस एच,
एक्स के प्लेस पे। ओके अब यहाँ पे देखेंगे 2.4 में से आप समथिंग सेपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 0.1 भी आप सेपरेट, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जीरो ही सेपरेट कर रहे हो, 2.4 का 2.4 ही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे ये आ जाएगा 2। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू 2.4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे आप रखेंगे 2.4 प्लस एच। 2.4 में स्मॉल क्वांटिटी आपने ऐड किया है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, बिकॉज यहाँ पे हम वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो 3 तक ना जा पाए, क्योंकि नेक्स्ट इंटीजर 2 और 2.4 के बाद 3 ही आएगा, तो हम इतनी छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं कि हमारा फ्रैक्शन का 2.4 जो 3 से छोटा ही रहे, जैसे 2.4 में हमने कुछ ऐड किया और वो क्वांटिटी हमारी 3 से लेस रहेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड भी 2 आ रहा है, राइट हैंड भी 2 आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट आ जाएगी इसकी 2। नेक्स्ट कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, 3x प्लस मोड ऑफ एक्स अपॉन 7x माइनस 5 मोड ऑफ एक्स, ये भी इजी सा है, कर सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 सॉल्व करवा देती हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 3x प्लस मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाय 7x माइनस 5 मोड ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 3 इंटू 0 माइनस एच प्लस, ये मोड चल रहा है 0 माइनस एच मोड अपॉन 7 0 माइनस एच माइनस 5 मोड ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 3 एच, यहाँ पे आप मोड ऑफ माइनस एच रह जाएगा, ये बनेगा प्लस एच डिवाइड बाय, देन ये ब्रैकेट है माइनस 7 एच, एंड यहाँ से माइनस माइनस एच का मॉडुलस इज प्लस एच माइनस 5 एच, ठीक है, यही माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, देन यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 एच डिवाइड बाय माइनस 12 एच, ठीक है, एच से एच कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 1/6, आंसर आ जाएगा 1/6 लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके ऐसे आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच में पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखिए, फोर्थ जो वो एज इट इज थर्ड की तरह ही आप कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस 2, पुट करेंगे हम x को 1 माइनस एच, देन एच टेंस टू 0, यहाँ पे आप रखेंगे 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस एच माइनस 1 ऑलरेडी है डिवाइड बाय 1 माइनस एच माइनस 1 एंड प्लस 2, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच, 1 में से आपने स्मॉल क्वांटिटी माइनस किया, देन 1 के लेफ्ट में जाएगी क्वांटिटी, जो भी नंबर आएगा 1 से लेफ्ट में जाएगा, और 1 से लेफ्ट में जाते इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1, 1 से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करते ही ये इसके लेफ्ट में जाता है, और लेफ्ट के बाद जो इंटीजर, इसके बाद जो इंटीजर आ जाएगा वो 0 होता है, तो ये हमारा 0 आंसर, एंड 1 से 1 कैंसिल, माइनस एच का मॉड प्लस एच डिवाइड बाय 1 से 1 कैंसिल इज अ माइनस 1 प्लस 2, एच से एच कैंसिल, कहीं पे भी एच नहीं है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 एंड दिस इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे आप रखेंगे एच टेंस टू 0, एक्स को रखेंगे 1 प्लस एच, ओके प्लस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर चल रहा है, ये हमारी ब्रैकेट है, और यहाँ पे आप रखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस एच, 1 में आपने सम क्वांटिटी को ऐड किया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1, क्योंकि ये जो कंप्लीट क्वांटिटी 1 प्लस एच इज अ राइट साइड ऑफ 1, ये राइट साइड पे जाएगी, और इससे लेस जो इंटीजर होगा वो 1 होगा,
देन ये आ जाएगा 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h डिवाइड बाय h, h से h कैंसिल प्लस 2, देन 1 यहाँ से 1 यहाँ से, 1 प्लस 1 प्लस 2 दिस इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1, राइट हैंड आ रही है 4, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि इक्वल नहीं है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी एज इट इज ही करना है आपको। सेवन्थ पार्ट देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन दिस लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको आप सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको लिमिट्स लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये 1 बाय 2 पावर, इसको आप अंडर रूट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने स्टैंडर्ड रूल करवाए थे आपको वो देखिए कैसे अप्लाई कर लें। लिमिट x टेंस टू 0 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 1, इसको मैं x से डिवाइड कर लेती हूँ और x से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देन ये मैंने बताया था कि अगर x टेंस टू 0 2 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है वो बनता है log ऑफ, यहाँ पे a है तो log ऑफ a आ जाएगा और ये आपके पास 2 दे रखा है तो ये आ जाएगा log ऑफ 2। इस पे हमने लिमिट अप्लाई किया, अब यहाँ पे करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1, इसका आप करिए रैशनलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप 0 पुट करते हैं, x को अगर मैं डायरेक्ट 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 माइनस 1 इज 0, 0 बाय 0 फॉर इंडिपेंडेंट फॉर्म आ जाती है, तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। ठीक है, देन log ऑफ 2 लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर आ जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज अ 1 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 एंड log ऑफ 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ log ऑफ 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 एंड x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय x, x से x कैंसिल हो जाएगा, अब आप x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, दिस इज log ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 का रूट 1 ही होता है, 1 प्लस 1 इज अ 2, देन ये आ जाएगा 2 इंटू log ऑफ 2, दिस इज योर लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलजेब्रा की थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर की जो एक्सरसाइज की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी लिंक उनका, और आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, थर्ड और फोर्थ की बहुत डिमांड आ रही है एक्सरसाइजेस की, तो मैं उनकी पीडीएफ डाल देती हूँ टेलीग्राम पर, आप लोग देख लेना वहाँ पर, और टेलीग्राम का लिंक जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1 बाय x इंटू अपॉन 3 प्लस 2 रेज टू पावर 1 बाय x डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे भी हमने एक्सपोनेंशियल का किया था वैसे ही ये भी करना है। यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1 बाय x अपॉन 3 प्लस 2 रेज टू पावर 1 बाय x, चेंज करेंगे यहाँ पे h में h टेंस टू 0 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1 अपॉन x को किस में पुट चेंज करेंगे 0 माइनस h में, ऐसे ही 3 प्लस 2 रेज टू पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, क्लियर, इसको लिखोगे आप 2 रेज टू पावर 0 माइनस h इज माइनस 1 बाय h एंड 3 प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं और ये फ्रैक्शन में आ जाता है, यहाँ से आप इसको लिखेंगे एस टेंस टू 0 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 1 बाय h, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 1 बाय h। अब जैसे ही आप h को 0 रखते हैं 1 बाय 0 इन्फिनिटी, 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 एंड 3 प्लस 0 देन 1 बाय 3, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालिए आप।
लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस वन प्लस टू रेज टू पावर वन बाई एक्स एंड थ्री प्लस टू रेज टू पावर वन बाई एक्स। यहाँ पे आप रखेंगे लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, वन प्लस चेंज करेंगे आप एच रख दिया हमने एक्स को जीरो प्लस एच में, यानी कि टू रेज टू पावर वन बाई एच आ जाएगा, और यहाँ से भी टू रेज टू पावर थ्री प्लस टू रेज टू पावर वन बाई एच। अब इस प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर आप h को जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, टू रेज टू पावर वन बाई जीरो इज इन्फिनिटी एंड टू रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे वन प्लस इन्फिनिटी आंसर देगा इन्फिनिटी, तो टोटल हमारी जो लिमिट का आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। बट हमें क्या करना है, कोई रियल वैल्यू लेके आनी है यहाँ पे, तो हम टू रेज टू पावर वन बाई एच यहाँ से कॉमन लेते हैं इन द राइट हैंड साइड लिमिट में। तो यहाँ से आप लिमिट एस टेंस टू जीरो कॉमन निकालिए, टू रेज टू पावर वन बाई एच यहाँ पे आ जाएगा वन के डिवाइड में वन बाई एच, प्लस यहाँ पे रह जाएगा वन, ऐसे न्यूमरेटर से कॉमन लीजिए टू रेज टू पावर वन बाई एच, देन थ्री डिवाइड बाय टू रेज टू पावर वन बाई एच और यहाँ से वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप एच को जीरो पुट करेंगे तो ये वन अपॉन में आ जाता है, जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में किया था वन अपॉन में, तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा आप, यानी जीरो प्लस वन एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, जीरो प्लस आंसर आ गया वन। लेफ्ट हैंड लिमिट आंसर दे रहा है वन बाई थ्री, राइट हैंड लिमिट वन, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ एक्सपोनेंशियल में दे रखा है, वो भी एज इट इज करना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी जैसे आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे, और राइट हैंड लिमिट में हमेशा कॉमन लेके करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे बताना है आपको डज एक्स टेंस टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट। अगर मैं एफ ऑफ एक्स पे एक्स टेंस टू वन लिमिट अप्लाई करती हूँ, क्या वो एग्जिस्ट करेगी? तो यहाँ पे आप निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर फंक्शन ब्रेक कर रखा हो एट, जैसे यहाँ पे वन पे ब्रेक, हमारी लिमिट एक्स टेंस टू वन पे फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है, यानी एक्स लेस देन इक्वल टू वन पे फंक्शन फाइव एक्स माइनस फोर है, और एक्स ग्रेटर देन वन पे ये फंक्शन दे रखा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड के लिए हम यूज़ करेंगे दिस फंक्शन और राइट हैंड के लिए यूज़ करेंगे दिस फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस फाइव एक्स माइनस फोर, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फाइव इंटू वन माइनस एच माइनस फोर, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फाइव माइनस फाइव एच माइनस फोर, एंड ये सॉल्व कैलकुलेशन आ जाएगी वन माइनस फाइव एच, एच को रखेंगे ज़ीरो, आंसर आ गया वन। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू ज़ीरो प्लस, सॉरी ज़ीरो नहीं भाई, वन चल रहा है, वन प्लस, वन के प्लस में आप फंक्शन लेंगे, यानी x ग्रेटर देन वन ये फंक्शन यूज़ करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इसको आप चेंज कीजिए h में, x टेंस टू ज़ीरो फोर इंटू वन प्लस एच स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस एच, ओपन करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एच के प्लेस पे यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए, फोर इंटू वन स्क्वायर इज़ अ वन, यानी फोर, और यहाँ पे आप जीरो रखते हैं माइनस थ्री, आंसर इज़ वन। तो इसने पूछा था कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दोनों इक्वल हैं वन के, देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन भी एज इट इज फिफ्थ की तरह ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, वेयर एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है कि के की किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से लेस है, यानी कि एक्स माइनस के स्क्वायर माइनस थ्री, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एक्स को रखेंगे जीरो माइनस एच माइनस के स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, जीरो माइनस एच इज एच एंड माइनस कॉमन निकालेंगे स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एच प्लस के स्क्वायर माइनस थ्री, और एच को मैं यहाँ पे जीरो पुट कर लेती हूँ, देन लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी के स्क्वायर माइनस थ्री। ऐसे आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फॉर राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस
एंड इसके लिए फंक्शन लेके चलेंगे जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, एक्स प्लस टू के। इसको हम लिखेंगे एस टेंस टू ज़ीरो, जहाँ पे भी एक्स होगा उसको आप जीरो प्लस एच में रिप्लेस कर देंगे, जीरो प्लस एच प्लस टू के। दैट मीन्स लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एच प्लस टू के, एंड एच के प्लेस पे जीरो रखिए इज टू के, एंड राइट हैंड लिमिट आ जाती है जीरो प्लस टू के, सॉरी टू के। अब हमने क्या बताना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, के की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नाउ लिमिट एग्जिस्ट करेगी आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाती है। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है आप उसको इक्वल रखेंगे राइट हैंड लिमिट के, टू के, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर माइनस टू के माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, और इसके आप फ्रैक्शन कीजिए और के की वैल्यू निकालिए, ठीक है। मल्टीप्लाई माइनस थ्री एंड एडिशन इज माइनस टू, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएंगे माइनस थ्री एंड के स्क्वायर माइनस थ्री के माइनस के प्लस के सॉरी माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, के की वैल्यू आ जाएगी थ्री एंड माइनस वन। क्वेश्चन नाइन्थ देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इफ एक्स लेस देन टू इक्वल टू टू पे जीरो वैल्यू दे रहा है और एक्स ग्रेटर देन टू पे थ्री एक्स माइनस फाइव है हमारा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है क्या लिमिट एक्स टेंस टू टू एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स टेंस टू किस पे चेक करना है, टू पे चेक करना है, टू माइनस फंक्शन कौन सा यूज करेंगे जहाँ पे एक्स लेस देन टू होगा, मीन्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एक्स को आप पुट करेंगे टू माइनस एच माइनस टू माइनस एच, दिस इज इक्वल टू टू माइनस एच, यहाँ पे आप एच को जीरो रखते हैं टू आ जाएगा, माइनस टू माइनस एच, टू में से आप समथिंग सेपरेट कर रहे हो तो टू माइनस वन लेस देन टू पे जाएगा, ये जिसकी वैल्यू आएगी इस नंबर की, तो यहाँ से इसका ग्रेटर इंटीजर निकालेंगे ये आएगा वन, समझ गए। टू में से समथिंग माइनस करते ही टू के लेस में चला जाएगा नंबर, ये हमारा टू है, समथिंग लेस करते ही लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट में जाके इसके इसके जस्ट पहले जो इंटीजर आता है वो होता है वन, तो टू माइनस वन इज अ वन, आंसर आ गया हमारा वन लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, और वन प्लस के लिए क्या आना चाहिए भाई, थ्री एक्स माइनस फाइव, थ्री एक्स माइनस फाइव, ठीक है। एंड वन पे नहीं चेक कर रहे, क्या कह रहे हैं, टू पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे एच में, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो थ्री इंटू टू माइनस एच सॉरी टू प्लस एच, क्योंकि हमने राइट हैंड लिमिट निकाली है माइनस फाइव, एच को जीरो रख दीजिए, सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन। अभी पूछता है क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइंड दिस लिमिट इफ इट इज एग्जिस्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके, और दोनों किसके इक्वल आ रही है, वन के। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये आ जाएगा रिजल्ट हमारा, एग्जिस्ट भी करेंगी और लिमिट आएगी वन। जो टेंथ क्वेश्चन है वो भी एज इट इज नाइन्थ की तरह ही सॉल्व करना है आपको। इलेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज इरेशनल, और माइनस एक्स वैल्यू देगा, यानी फंक्शन माइनस एक्स बनेगा जब एक्स रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ब्रेक कर रखा है रैशनल और इरेशनल जो वैल्यूज पे अलग अलग फंक्शन आ रहा है, शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स पे एक्स टेंस टू जीरो, आंसर आता है जीरो। और आपको बताना है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहला केस फर्स्ट ले लेते हैं, इफ ए इक्वल टू जीरो, मीन्स हम चेक करेंगे जब हमारा ए जो वो जीरो होगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो पे लिमिट चेक करेंगे, दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको आप कर लीजिए एप्सिलॉन डेल्टा की जो डेफिनेशन होती है, हम क्या लेके चलते हैं,
एफ ओफ एक्स माइनस एल। अब यहाँ पे देखिए जी, एल की वैल्यू कितनी है जो राइट हैंड साइड पे होती है, यानी कि जीरो। हमें शो करना है कि फंक्शन पे जीरो लिमिट लगाओगे तो लिमिट आएगी जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स को जीरो टेंड करवाना है, एल की वैल्यू जीरो आ रही है, दैट मीन्स एफ ओफ एक्स माइनस जीरो। इसको आप क्या लिखेंगे, ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे चल रहा है एफ ओफ एक्स माइनस जीरो, यानी एफ ओफ एक्स दिस इज मोड ऑफ ये वाली एक्स माइनस जीरो दिस इफ एक्स इज इरेशनल। ओके, एंड यहाँ पे दे रहा है माइनस एक्स वैल्यू, माइनस एक्स माइनस जीरो इफ एक्स इज रैशनल, ठीक है। तो हमने एफ एक्स की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि सारे इरेशनल नंबर के लिए फंक्शन आ रहा है और सारे इरेशनल के लिए रैशनल के लिए फंक्शन आ रहा है। दैट मीन्स अगर इरेशनल और रैशनल को हम ऐड कर लें तो हमारी पूरी रियल लाइन बन जाती है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक ही फॉर्म में, कैसे, मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो इफ एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, पूरी रियल लाइन के रह जाता है क्योंकि एक्स रैशनल कर रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली आप, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये रहेगा माइनस एक्स, माइनस एक्स का मोड, और माइनस एक्स का मोड कितना होता है एक्स, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ये ऑलरेडी मोड ऑफ एक्स है। तो दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मोड, क्योंकि इसकी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है मॉडुलस में, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो कब आ रहा है, जब एक्स बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर, यानी कि रैशनल के लिए भी वही वैल्यू, इरेशनल के लिए भी वही वैल्यू। तो दोनों रैशनल इरेशनल अगर हम ऐड कर लेंगे तो रियल लाइन बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेके चलते हैं कि एफ ओफ एक्स माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन कब होगा भाई, जब हमारा आंसर आया है एक्स माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। और इसको हम पुट कर लेते हैं डेल्टा, एंड एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट जब आपने एक्स को जीरो लिमिट, एक्स को जीरो टेंड किया, जीरो पुट किया, तो एफ एक्स की लिमिट आ रही है ज़ीरो, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि एफ ओफ एक्स की लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, जहाँ पे ए की वैल्यू है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, के सेकंड में आपको टेस्ट करना है ए फोर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है, देन फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव नंबर, अगर मैं ए को जीरो नहीं लेना, इसका मतलब ए के लेफ्ट के पॉइंट पे चेक करना है और ए के राइट के पॉइंट पे चेक करना है। अगर मैं डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ, देन ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा इसके नेबरहुड हो जाएंगे, यानी कि लेफ्ट के और राइट के पॉइंट। ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर आप a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, अगर हम ये इंटरवल ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा कि इस इंटरवल में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। अब हमें ये पता है कि इरेशनल के लिए हमारा फंक्शन अलग वैल्यू दे रहा है और रैशनल के लिए अलग वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वहाँ से वैल्यू यूनिक नहीं आएगी एफ एक्स की, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेट करेगी वैल्यू, ठीक है। तो इस इंटरवल में फंक्शन की कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, देन आप यहाँ पे लिख सकते हो देन इम्प्लाइज दैट एफ ओफ एक्स has not unique value in interval a minus delta and a plus delta, इसमें एफ एक्स की कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ओफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है। तो इस तरह से आपको कर रहे हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो है बहुत टफ थे। बहुत सारे बच्चे तो ये सोचेंगे कि मैडम मैं प्लस टू का ही करवा दिया यहाँ पे, बट मैं ये लेके चलती हूँ जो सिलेबस में है आपके वो मुझे यहाँ पे करवाना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका प्लस टू में बेस नहीं बना होता है अच्छे से, तो मैं कोशिश करूंगी कि चाहे वो ईजी टॉपिक है चाहे टफ टॉपिक है, सारा मैं यहाँ पे आपको अच्छे से करवाऊँ। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। And thank you for watching my video.